हेलो फ्रेंड्स, सतरंगी निटिंग पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये स्वेटर डिजाइन बताने जा रही हूँ। इसको आप चाहे जेंट्स स्वेटर में डालें, लेडीज स्वेटर में डालें, कार्डिगन में डालें, बच्चों के स्वेटर में डालें, कहीं पर भी आप इसको डालिए, ये बहुत सुंदर बन कर के आता है। देखिए इस तरह से ये दिखाई दे रहा है। आगे से ये डिजाइन ऐसे दिखाई देता है और पीछे से देखिए, पीछे से ये ऐसा आएगा। किसी भी प्रोजेक्ट पर आप इसको डाल सकते हैं। ये सात सात फंदे का पैटर्न है, तो इसको डालने के लिए आप 7K multiple plus 2 stitches लीजिए। बॉर्डर के बाद आप एक सीधी सिलाई सीधी बुन लीजिए और एक सिलाई उल्टी उल्टी बुन लीजिए। इस तरह से आप दो सिलाई बुन लीजिए, एक सीधी और एक उल्टी, और इसी सीधी सिलाई पर अगर आपको फंदे बढ़ाने हैं तो आप बढ़ा लीजिए। ये छह छह सिलाई का पैटर्न है और ये जो डिजाइन है वो हमारा सीधी साइड से स्टार्ट होगा। तो देखिए इसको कैसे डालते हैं। ये हमारे पैटर्न की फर्स्ट रो है और राइट साइड से देखिए, पहला फंदा अगर आपको बुनना है तो आप बुन लीजिए, उतारना है तो आप उतार लीजिए। इसके बाद दो फंदे आपको उल्टे बुनने हैं। वूल को पीछे ले जाएंगे। अब ये जो तीन फंदे हैं, इन तीनों फंदों को एक साथ लेंगे। ये देखिए तीनों फंदे हमने एक साथ लिए, पीछे से इनको एक बार बुना। इसको देखिए हल्का सा ढीला रखना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, थोड़ा सा लूज रखना है इसको। वूल को हम आगे लाएंगे, एक बार फिर से हम वहीं से सिलाई डालेंगे जहाँ से पहले डाली थी और दोबारा इसको बुनेंगे। ये देखिए हमारे तीन फंदे हो गए, ये हमारे तीन फंदे हो गए। एक बार फिर से वूल को आगे लाए और जहाँ से पहले बुना था वहीं से फिर से बुन लेंगे। अब ये तीनों फंदे जो हैं वो हम सिलाई से उतार देंगे। देखिए ये हमारे तीन फंदे से पांच फंदे बन गए। देखिए एक दो तीन चार पाँच, तीन फंदे से हमने पांच फंदे बनाए। वूल आगे लाएंगे और चार फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो तीन चार। फिर से वूल पीछे ले जाएंगे और ये तीन फंदे एक साथ लेंगे पीछे से, एक बार बुनेंगे, धागा आगे ला करके एक बार और बुनेंगे। फंदों को अभी देखिए सिलाई पर से उतारना नहीं है, फिर से धागा आगे लाएंगे और फिर से बुनेंगे। ये हमारे पांच फंदे हो गए। अब इन फंदों को सिलाई पर से गिरा देंगे, वूल को आगे लाएंगे, चार फंदे उल्टे बुनेंगे, दो तीन चार। फिर से धागा पीछे, तीन फंदे एक साथ लेंगे, एक बार बुना, वूल आगे, दूसरी बार बुना, फिर से वूल आगे और ये तीसरी बार बुना। फंदे सिलाई पर से उतार दिए।
पूरी सिलाई हमें ऐसे ही बुन लेनी है, चार फंदे उल्टे। धागा आगे, ये तीन फंदे उल्टे बुनेंगे। यहाँ भी हमारे तीन फंदे उल्टे हैं और इस साइड भी ये हमारे तीन फंदे उल्टे हैं। अब देखिए बैक साइड से सेकंड रो, पहला फंदा बुनना है तो बुन लेंगे, उतारना है तो उतार लेंगे। अब देखिए ये दो फंदे सीधे बुनेंगे, शुरू के तीन फंदे सीधे हो गए क्योंकि मैंने पहला फंदा भी बुना है, इसलिए हमारे ये शुरू के तीन फंदे सीधे बुने जाएंगे। अब धागा आगे लाएंगे और ये पांच फंदे जो हमने तीन फंदे से बनाए थे, इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच। अब देखिए धागे को पीछे ले जाना है और ये जो चार फंदे हमने उल्टे बुने थे, ये चार फंदे हमें अब सीधे बुनने हैं उल्टी सिलाई पर। तीन, चार, धागा आगे। ये जो तीन फंदे से पांच फंदे बनाए थे, वो पांच फंदे उल्टे बुनने हैं। तीन, चार, पांच, धागा पीछे। ये चार फंदे सीधे बुनेंगे, जो उल्टी सिलाई पर हमने उल्टे बुने थे वो चार फंदे, सॉरी, जो सीधी सिलाई पर हमने उल्टे बुने थे वो चार फंदे हम उल्टी सिलाई पर सीधे बुन रहे हैं, और जो फंदे हमने तीन फंदे से पांच फंदे बनाए थे वो फंदे हम उल्टे बुन रहे हैं। पूरी सिलाई हमें ऐसे ही बुन लेनी है। ये देखिए हमारी सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गई और अब हमारी थर्ड रो, ये देखिए इस तरह से आ गया है। अब हमारी थर्ड रो, पहले दो फंदे उल्टे बुनेंगे, दो फंदे उल्टे बुन लिए। अब देखिए ये उल्टा फंदा है और ये सीधा फंदा है, धागे को पीछे ले जाएंगे। ये जो पहला हमारा सीधा फंदा है, इसमें हम ऐसी सिलाई डालेंगे, एक सीधा फंदा और एक उल्टा फंदा, दो फंदे हमने लिए हैं। देखिए इसमें हम ऐसी सिलाई डालेंगे और दो फंदे का एक फंदा बुन लेंगे। अब धागा आगे लाएंगे। अब ये जो तीन फंदे हैं, इसमें से हमें ये जो सेकंड फंदा है इसको आगे लाना है, दूसरे फंदे को हम आगे लाएंगे इस तरह से। देखिए वूल हमारा आगे है, धागे को हमें आगे रखना है और ये तीन फंदे एक साथ लेने हैं, तीन फंदे का एक फंदा बुन लेना है। फिर से वूल को आगे लाएंगे, ये फंदा है इसको हम ऐसे सीधा कर लेंगे, पलट लेंगे। अब इसको एक उल्टे फंदे के साथ मिलाकर ये देखिए दो फंदे का एक फंदा बुन लेंगे। वूल को आगे लाएंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे। फिर से वूल पीछे, ये एक उल्टा फंदा और एक सीधा फंदा, दोनों फंदे एक साथ लेंगे, दो फंदे का एक फंदा
बुन लेंगे। देखिए आगे से फंदा लेना है और दो का एक बुन लेना है। ऊन को आगे लाना है, ये दूसरा फंदा हमें इस तरह से आगे लेना है और ये तीन फंदे एक साथ लेकर तीन फंदे का एक फंदा बुनना है। देखिए धागा आगे रखेंगे, ध्यान रखिएगा। फिर से धागा आगे लाएंगे, इस फंदे को पलट लेंगे और एक उल्टे फंदे के साथ मिलाकर दो फंदे का एक फंदा बुन लेंगे। अब धागा आगे लाकर दो फंदे उल्टे बुनने हैं। पूरी सिलाई हमें ऐसे ही बुन लेनी है। फिर से ये एक उल्टा फंदा और एक सीधा फंदा, दोनों फंदे आगे से लेकर दो का एक करना है। वूल आगे लाएंगे, ये फंदा आगे लाकर तीन फंदे एक साथ लेकर तीन का एक कर लेंगे। फिर से वूल को आगे लाएंगे, ये फंदा पलट लेंगे, एक उल्टे फंदे के साथ मिलाकर दो का एक कर लेंगे। अब दो फंदे उल्टे। पूरी सिलाई हमें ऐसे ही बना लेनी है। अब हमारे फोर्थ रो, इसमें हम शुरू के दो फंदे सीधे बुनेंगे। वूल को आगे लाएंगे, अब देखिए पांच फंदे हमें उल्टे बुनने हैं, एक दो तीन चार पांच। वूल पीछे, ये दो फंदे देखिए सीधे दिखाई भी दे रहे हैं, इन्हीं दोनों फंदों को हम सीधा बुनेंगे। वूल आगे, अब पांच फंदे उल्टे, दो तीन चार पांच। वूल पीछे, ये दो फंदे सीधे। वूल आगे, पांच फंदे उल्टे, वूल पीछे, ये दो फंदे सीधे। पूरी सिलाई हमें ऐसे ही बुन लेनी है। ये हमारी फोर्थ रो भी कंप्लीट हो गई। अब देखिए हमारे फिफ्थ रो राइट साइड से। पहले दो फंदे उल्टे बुनेंगे, वूल को पीछे ले जाएंगे, अब ये पांच फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच। धागा आगे, ये दो फंदे जो उल्टे हैं इन्हें उल्टा बुन लेंगे। धागा पीछे, ये पांच फंदे हम सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच। फिर ये दो फंदे उल्टे बुनेंगे, देखिए एक दो तीन चार पांच। धागा आगे, दो फंदे उल्टे, वूल पीछे ले जाएंगे और पांच फंदे सीधे बुनेंगे। पूरी सिलाई हमें ऐसे ही बुन लेनी है। चार पांच, लास्ट में ये दो फंदे उल्टे आएंगे। अब हमारी सिक्स्थ रो, छठवीं सिलाई में देखिए क्या करना है। ये हमारी उल्टी सिलाई है, जो फंदे हमें सीधे दिख रहे हैं वो हम सीधे बुन लेंगे और जो फंदे उल्टे दिख रहे हैं वो हम उल्टे बुन लेंगे। देखिए शुरू में दो फंदे सीधे हैं, उसके बाद
ये पांच फंदे उल्टे हैं, फिर दो फंदे सीधे हैं, फिर पांच फंदे उल्टे हैं, फिर दो फंदे सीधे हैं, इस तरह से इसको बुनना है। तो देखिए, पहले हम दो फंदे सीधे बुनेंगे, धागा आगे, पांच फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर दो फंदे सीधे, फिर पांच फंदे उल्टे, चार पांच, फिर दो फंदे सीधे और पांच फंदे उल्टे। पूरी सिलाई हमें ऐसे ही बुन लेनी है। लास्ट में ये दो फंदे सीधे बुनेंगे। ये देखिए, हमारी छठवीं सिलाई भी पूरी कंप्लीट हो गई। और देखिए, हमारा जो डिजाइन है वो इस तरह से बन करके आ गया है। यही छह सिलाइयां हमें रिपीट करते जाना है और पैटर्न को आगे डालते जाना है। देखिए, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैंने अपने एम्ब्रॉयडरी चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप एक बार उसको भी देखें और सब्सक्राइब भी करें। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, बहुत सुंदर दिखाई देता है। कार्डिगन में या बच्चों के स्वेटर में तो ये बहुत ही अच्छा बन करके आएगा। हल्का सा उभरा उभरा सा, बहुत सुंदर डिज़ाइन है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।